तो अब देखेंगे हम फोर्थ यूनिट वायु, ठीक है। हम किस बात कर रहे हैं, क्लास 6-7 की, ठीक है, पर्यावरण हमारा, ठीक है। तो चलो बिना किसी बातों को दोहराए चालू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है यार, LSS कर दो यार, LSS यानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार अपने फ्रेंड के साथ। प्लीज़ 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 यार थोड़ा सपोर्ट दो यार मुझे, अभी तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, ठीक है, 10 ही हुए यार अभी तक, ठीक है, प्लीज़ यार कर दो यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरा तो क्या बोलूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है, ठीक है। वायु है हमने 6 क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, वायु से घिरा हुआ है और वो भी चारों ओर, ठीक है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं, पृथ्वी पर सभी जीव रहे जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ से हमको O2 मिलता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, और वहाँ से हम श्वास ले सकते हैं, ठीक है। सूर्य के किरणों से हानिकारक किरणों से हमने बचाता है, ठीक है, यह सुरक्षा ही है। चादर न होती तो हम दिन के समय सूर्य को गर्मी से तपकर जल सकते थे, ठीक है, जल सकते थे, ठीक है, रात के समय ठंड से जम सकते थे, ठीक है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। यह वह राशि जिसे पृथ्वी के तापमान को योग्य रहने बनाया है, ठीक है। तो चलो वायुमंडल का संगठन क्या है, देखते हैं। क्या आप जानते हो कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। यस, हमें पता है, ठीक है, क्या पता है कि वो मिश्रित हवा है, ठीक है, प्योर शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। ओ, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, दो गैसें हैं जिसे वायुमंडल का बड़ा भाग है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, ओजोन, ठीक है, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं, देखिए आप देख सकते हो, आर्गन है 0.9%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है, नाइट्रोजन का देखो 78%, ऑक्सीजन का देखो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसमें वायु में विभिन्न संगठनों इधर दिखाई गए, ठीक है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली है, ठीक है, देखो नाइट्रोजन का प्रमाण 78% कितना है, 78, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी आता है, ठीक है, और फिर बाहर निकल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है, ठीक है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, सीधे नाइट्रोजन वायु नहीं लेते, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका रूप स्वरूप बदलते हैं, जिसे पौधे इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन देखो 21%, ठीक है। मनुष्य तथा पशु श्वास लेने में ऑक्सीजन वायु लेते हैं, ठीक है, कौन, मनुष्य तथा पशु, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, वो सब। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, हरे पादप, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक वनस्पति की जात है, ठीक है, हरे पादप है वनस्पति, ठीक है। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने 6 क्लास में भी बोला था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो फिर आप देख लीजिए, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई आप वृक्ष को काटो नहीं, ठीक है, काटना का नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पेड़ों उगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम श्वास में कौन सा वायु लेते हैं, ऑक्सीजन, बाहर कौन सा निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये जो वृक्ष है, ठीक है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो कौन सा O2 वायु छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, देखा, वापस देते हैं, ठीक है, वापस देते हैं यानी कि वो छोड़ते हैं, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है, मनुष्य द्वारा पशु द्वारा बाहर छोड़ दी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, ठीक है। यह संतुलन बना रहता है, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है, ठीक है। वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं, परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ये NCERT CEC जो है वो देखो आप देख सकते हो यहाँ यहीं लिखा है 2056-60 से बनी, मतलब ये बहुत ही जूनी है, ठीक है, तो देख सकते हो वहाँ तो इतना कुछ था नहीं, लेकिन अब कौन सा है 2021 है, ठीक है, तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर पोल्यूशन इतना है कि ना पूछो बात, ठीक है। तो पोल्यूशन बढ़ा है किसकी वजह से, CO2 से, और CO2 क्यों बढ़ा है कि भाई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो सब है, जान दो, इतना बड़ा कुछ लेने देना नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा जान लो क्या है, ये बहुत ही बढ़िया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा पृथ्वी कर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, कौन, CO2, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही खराब है अपनी प्यारी पृथ्वी के लिए, ठीक है, ग्रीन हाउस असर गैस भी कहते हैं, और इसे अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, ठीक है, ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, आगे जाके पता चलेगा, ठीक है, किंतु जब कारखानों एवं कार से धुएं से वायुमंडल इसका स्तर बढ़ता है तब ऊष्मा द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है, भूमंडलीय तापमान कहते हैं, तापमान
तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी में सबसे ठंडा प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिसे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। मतलब देख सकते हो कितना, मतलब इतना समझ सकते हो कितना हेवी है वो, ठीक है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 स्तरों में विभाजित है, शोकमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, वायु वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ये हमने ऑलरेडी क्लास 6 में कवर कर चुके हैं, ठीक है, सबके बारे में मैंने समझाया था, ठीक है। देख सकते हो समताप मंडल पहले कौन सा आता है, शोकमंडल, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट ले सके आप, शोकमंडल के एकदम ऊपर, मतलब 90% ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मध्यमंडल, उसके बाद वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। शोकमंडल देख लेते हैं पहले, तो क्या है शोकमंडल, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसकी औसत ऊंचाई 3 किलोमीटर है। हम इसी मंडल के मौजूद वायु में श्वास ले सकते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा एवं आलो ओला वर्षण इस परत के अंदर होती है। नेक्स्ट आता है समताप मंडल, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो समताप मंडल क्या है, शोकमंडल के ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो लगभग 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला है, ठीक है। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है, ठीक है, मतलब बादलों एवं मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त, मतलब इस समताप मंडल के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब जो बादल है, वर्षा है, ठीक है, तो वो शोभ सीमा के अंदर ही है, मतलब शोभ मंडल के ऊपर जो शोभ सीमा है, ठीक है, तो वहीं है। ये समताप मंडल में कोई वैसा नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, बादल नहीं है, ठीक है। और ये जो है 50 किलोमीटर, तो ये क्या है, शोभ सीमा से ऊपर वाला हिस्सा 50 किलोमीटर का है, ठीक है, मतलब इतना हिस्सा है वो 50 किलोमीटर का है, जो है समताप मंडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, मतलब यहाँ से हवाई जहाज उड़ सकता है। देखो ये इसमें मस्त मेंशन भी किया है, देखो हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है, समताप मंडल में, ठीक है, तो देख लीजिए आप, बहुत ही मस्त है, ठीक है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ठीक है, ओजोन गैस होता है भाई यहाँ पर, ठीक है। यह परत सूर्य के आने वाले हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मध्यमंडल, ठीक है, मध्यमंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है, ठीक है, तो समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, ठीक है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, देख सकते हो आप, 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर यानी कि इतना, ठीक है, समताप सीमा है ये, इससे ये मध्य सीमा के बीच कितना है, 80 है, ये कितना था, 50 किलोमीटर था, और ये कितना था, आई थिंक 10 था, बराबर, देखो इधर 13 किलोमीटर है, ओके 13 किलोमीटर है, ठीक है, 13 किलोमीटर तक शोभ मंडल है, ठीक है। लगभग ये मध्यमंडल कितना, 80 किलोमीटर तक है, ठीक है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, मतलब इस ये मध्य सीमा है, ठीक है, यहाँ से अगर आएगा तो फिर वो जल जाएगा, ठीक है। यह वायुमंडल ये लास्ट वाला है, ठीक है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है। रेडियो संचार के लिए यह परत उपयोगी होता है, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है, ठीक है। और लास्ट वन इस बहिर्मंडल ये देखो, देख सकते हो आप बहिर्मंडल, ठीक है। बहिर्मंडल कहाँ है, ये सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, गैसों जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यह अंतरिक्ष में तैरती रहती है, ठीक है। मौसम एवं जलवायु, ठीक है, क्या आज वर्षा होगी, आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितना ही बार हम क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारे शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इस घटना बटने से छोड़ा छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आंध्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकते हैं। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बना। जलवायु की एग्जाम्पल क्या है, डेफिनेशन क्या है कि दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम जलवायु। आप जानते हो, ये थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, आप जानकर आश्चर्य कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरब भी प्राप्त करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तापमान, आप दिन प्रतिदिन तापमान का अनुभव करते हैं, वायुमंडल का तापमान होता है, आप प्रतिदिन तापमान का अनुभव करते हैं, वह वायुमंडल का तापमान होता है, ठीक है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम का तापमान कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं, वायुमंडल वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को ताप कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है, ठीक है। दिन और रात में तो बदलता ही है, लेकिन ऋतुओं के साथ भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा में ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है।
आत्तापन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तापमान के वितरण को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं? आत्तापन। ठीक है। और सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, बराबर, उसे क्या कहते हैं? आत्तापन। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आत्तापन में सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य से रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ठीक है, इसीलिए तापमान उस प्रकार घटता जाता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकती। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़क एवं धातु एवं कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाती है, लेकिन रात को ठंड पड़ जाती है। ठीक है, तुमको मैं नगर आपने देखा होगा, इस एग्जाम्पल में भवन गर्म हो जाता, आपने देखा होगा संगमरमर के वो जो पत्थर रहते हैं। ठीक है, तो वो समर के टाइम यानी कि उन्नाला जब आता है, ठीक है, तो अब आप देखोगे तो बहुत ही वो गर्म हो जाता है, आपको चटके मारने लगेंगे। ठीक है, तो वही है वो नगर में के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते, नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट वायुदाब। वायुदाब क्या है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम उसका अनुभव नहीं करते। इसीलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है, मतलब वायुदाब मतलब आप ऊपर खड़े हैं, ठीक है, तो आपका बाल जो है वो हवा में इधर उधर होता है। ठीक है, तो वो वही कह रहे हैं कि हमारा पूरा शरीर में वो वायु लगती है लेकिन हमको एहसास नहीं होता। ठीक है, एहसास कब होता है? जब आप नंगे हो जाते हो तब आपको एहसास होगा। ठीक है, मस्ती कर रहा हूँ, माफ करना, लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। ठीक है, होता है कि नहीं? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहता है। ठीक है, वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर तेजी से गिरने लगता है, दाब जो है वो तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सार्वत्रिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। क्या? वायु। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप पृथ्वी के ऊपर जाओगे तो वायु घटता जाता है। ठीक है, वायुदाब का क्षेत्रीय विवरण किसी स्थान का उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र को वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। ठीक है, भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गर्म और गमन होती है। ठीक है, ये थोड़ा जान लेते हैं क्या है। तापमान को मापना डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? एडर्स सेल्सियस ने किया था। ठीक है, इसके ये जो सेल्सियस नाम उसकी सरनेम है। ठीक है, जल 0° सेल्सियस पर जमता है और 100° सेल्सियस तक उबलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? ठीक है, वायु नहीं है इसलिए जीवन शक्य नहीं है। ठीक है, ये तो कहा वायु दाब भी नहीं है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों को शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त शिकाएं फट सकती है, जिसके अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकता है। ठीक है, यानी कि खून निकल सकता है। ठीक है, शरीर में से ऑटोमेटिक शरीर पे क्या होगा? दरार पड़ जाएगी, लोही निकलेगा बाहर। ठीक है, खून बाहर निकल जाएगा, लोग में वही होगा, इसलिए वो अपनी एक व्हाइट कलर की पोशाक पहनते, आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पवन का नाम उसके आने की दिशा के स्थान पर निर्धारित है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, ये अब आगे आएगा पवन। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है, कौन कैसे कहते हैं? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। ठीक है, आप पवन को काम करते देख सकते हो। पवन को काम करते जब सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ती अथवा तूफान से सभी पेड़ों को उखाड़ता देखते हैं। कभी कभी पवन धीरे बहती है तो आप इतने मैन धूल या कुएं को उड़ते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलने कठिन हो जाता है। ठीक है, आप अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। ठीक है, तीन उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है, स्थायी पवन, मौसमी पवन, नेक्स्ट है स्थानीय पवन है। ठीक है, स्थायी और स्थानीय, ये याद रखना, स्थायी, मौसमी और स्थानीय। तो स्थायी पवन क्या है? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन है, स्थायी पवन है। ठीक है, यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। मौसमी पवन क्या है? यह विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत की मानसूनी पवन है। स्थानीय पवन है, ये किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। ठीक है, भारत की आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज चक्रवात। चक्रवात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, प्राकृतिक आवेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था।
29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया था जिसके राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानि हुई थी। ठीक है, 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चली रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतों भी उखाड़ गई, विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। ठीक है, चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवर्ती पवनों के कारण ठंडी ज्वारी के स्थलों पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक से 7 से 10 मीटर ऊंचाई ज्वारीय तरंगे आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठीक है, मतलब विचार सकते हो आप कितना हेवी चक्रवात के कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इधर देख सकते हो, ठीक है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 25 अक्टूबर 1999 में पूर्वी पोर्ट बेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा, गहन होकर महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसे लगभग 130 लाख लोगों प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या के पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां एवं फलों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। ठीक है, मतलब देख सकते हो कितनी बड़ी समस्या आई। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्द्रता। ठीक है, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल बाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल बाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता देख लेना क्या है। ठीक है, जब वायु में जल बाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है उसे हम आर्द्रदिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसकी जल बाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अनेक आंद्र हो जाती है। आंद्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जल बाष्प ऊपर उठाए तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल बाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें भारी हो जाती है, वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ जाते हैं। इनकी इंजनों से निकली नमी संघनीय हो जाती है। वायु के ताप गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भूमि जल वर्षा जल से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करता है। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होता है। पहला होता है संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। ठीक है, पौधे तथा जीव जंतु को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। ठीक है, इसके विपरीत अगर वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, इसलिए मतलब हमको वर्षा बहुत कम भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। ठीक है, वर्षा अगर बहुत कम होगी तो फिर जो सूख जाएंगे पेड़ पत्ते। ठीक है, हम फिर अगर बहुत ज़्यादा वर्षा आएगी तो फिर देखो ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा। ठीक है, तो मतलब जितना चाहिए उतना ही चाहिए, ज़्यादा भी हम खा नहीं सकते और कम भी हम खा नहीं सकते। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, मुझे नहीं मेरी चैनल को। ठीक है, और प्लीज़ यार अपने दोस्तों को शेयर करना, LSS करना यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, प्लीज़ यार थोड़ी ग्रो करा दो यार चैनल। ठीक है, मेहनत करता हूँ यार थोड़ी। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।